स्पॉटलाइट कर दो। वो मेरे को करना पड़ेगा, वो मैं कर देता हूँ। पिन तो ये पहले से हुआ हुआ था, पता नहीं आपका क्यों आ रहा था। एनीवेज यस सर, पिन सीरीज कॉम्बिनेशन चिकन राइट। सेल्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ। सेल्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल। इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल। फर्स्ट का नेगेटिव किसके साथ कनेक्टेड है? सेकेंड के पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ सेकेंड एंड सो ऑन। Negative terminal of first cell is connected with positive terminal of second and so on, and all the cells are connected in. And all the cells are connected in, and all the cells will have same current flowing through them. All the cells will have same current flowing through them. Next paragraph mein likho. Consider n identical cells. Consider n identical cells. Each of EMF E, each of EMF E, an internal resistance small r. N identical cells, each of EMF E, an internal resistance small r. An internal resistance small r, connected in series. And with external resistance, and with external resistance, and with external resistance, capital R. The current flowing through the circuit is ratio of total EMF to the total resistance. टोटल रेजिस्टेंस कितने लिखो? एनआर प्लस आर। एनआर प्लस आर। करंट विल दस बी अगर ये अजम्पशन ले If R is very much greater than R, so capital R जैसे मान लो 10,000 small r 1, तो फिर करंट कितनी होगी? Any upon R. Any upon capital R. NR can be neglected. Relative to R. Implies current will be. अच्छा अगर एक सेल होता तो करंट कितनी होनी थी? N की वैल्यू 1/N की वैल्यू 1/R E/R। तो मतलब मैं कह सकता हूँ करंट थ्रू N सेल्स
is n times current through single cell. If r is very much greater than small r, आपको ये याद रखना है, बिकॉज आपको करंट निकालनी आएगी, आपको सेल दे देंगे, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर सब दे देंगे, आपको ये नहीं बताएंगे वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है या मिक्स्ड है, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। आपको याद ये रखना है, जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगी, for maximum current to flow through the circuit, the cells must be connected in series. कि एक cell में से जो current आ रही है, n cells हो जाएंगे तो n times बढ़ जाएगी, but अगर external resistance internal resistance से बहुत ज़्यादा, अगर opposite case होता, if internal resistance is very large as compared to internal external resistance, तो cells parallel में लगते हैं, बिकॉज आपने घर में भी देखा होगा कई डिवाइसेस में सीरीज में लगे होते हैं, कई में पैरेलल में लगे होते हैं, जैसे आपका रिमोट है टीवी का, उसमें सीरीज में है पैरेलल में सीरीज में लगे हैं। पैरेलल का भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे सेल्स को पैरेलल में लगाते कब है, जब हमें दिया होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मली नहीं होती है, एक्सटर्नली ज्यादा होती है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो हम पैरेलल में लगाते सेल्स को, बिकॉज अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पैरेलल में लगाने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम होगी। तो इसलिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो सेल्स को पैरेलल में लगा देते, सो दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट की कम हो जाए। So you can read इसके आगे no point लिख लो, ये वाला जो बताया था। Whenever external resistance is very large, as compared to, internal resistance, then for maximum current to flow through the circuit, cells must be connected in series. Next is parallel grouping. Excuse me, sir. Anji. Sir, is capital R very greater than R, लेकिन n भी बहुत बड़ा हो जाए? मैंने इसीलिए जो आपको एग्जांपल दिया था ना, वो 10,000 टाइम्स बड़ा कर दिया था। सेल तो 4-5-6 सीरीज में लगाएंगे ना, ऐसे 10,000 सेल थोड़ी लगा देते हैं हम। तो वेरी लार्ज का मतलब है, बिकॉज सेल्स तो ऐसे नहीं होता, 3-4-5 नहीं तो फिर हम बड़ी बैटरी यूज कर लेते हैं। फिर आपने लास्ट पॉइंट में ये कहा था ना, फॉर मैक्सिमम करंट टू फ्लो रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट टू फ्लो सेल्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। सब सेल्स की ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ऐसे एम सेल्स लगा दिए मैंने, n cells in series. So parallel grouping कब है, जब सबका positive terminal एक point से connected है A से, और सारे cells का negative terminal दूसरे point से connected है, so that हर cell के across, उसमें था कि हर cell में से current same flow कर रही थी, इसमें हर cell के across potential difference same होगा। So you can write, cells are said to be connected in parallel if, positive terminal of all the cells is connected to one point. If positive terminal of all the cells is connected to one point
and negative terminal of all the cells connected to another point. In parallel combination, potential difference across all the cells is same. In parallel combination, potential difference across all the cells is same. Next paragraph, Maliko. Consider M cells. Consider M cells. Each of EMFE and internal resistance small r. The parallel grouping of cells is connected. Parallel grouping of cells is connected Parallel grouping of cells is connected in series with external resistance, capital R. The current flowing through the circuit is. Current flowing through the circuit is. Sir, connected के बाद क्या बोला था आप? Series combination in series with external resistance, capital R. Total EMF of M cells in parallel. Total resistance of M cells यहाँ तक देखो सबको क्लियर है करंट पे कितनी हो जाएगी इसमें ऑपोजिट Current through M cells is so current through M cells is M times current through one cells if cells are in series. In parallel. Sir, real life में का example है parallel का. मतलब ऐसे real life घर में नहीं है. घर में series combination वाली चीजें use हो रही हैं. But parallel combination अगर आपने कई बार uninterrupted power supply बनानी है, तो बहुत सारी batteries को parallel में लगा के बना लेते हैं. मतलब आपको ज्यादा बैकअप चाहिए ज्यादा बैकअप जैसे घर में ही मान लो इन्वर्टर है तो एक बैटरी की जगह आप दो बैटरीज भी लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने नहीं बदला पर एनर्जी जो पहले एक बैटरी सप्लाई कर रही थी फिर दो बैटरी सप्लाई कर रही है तो आपने कभी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज देखी होगी ऐसी जगह पे तो वहाँ यही करते हैं कि कंप्यूटर लैब्स है कोई बड़ी लैब है तो काफ़ी सारी मतलब कई बार 200 बैटरीज को भी एक साथ लगा देते हैं पैरेलल में
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए कहाँ होती है सबसे ज्यादा? एक तो कंप्यूटर लैब्स में तो डिफरेंट रीजन है वैसे, मोस्ट हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स बिकॉज दो चीजें हो सकती है ना, या तो आपका पावर बैकअप इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही लाइट जाती है विद इन सेकेंड्स वो ऑन होता है जनरेटर्स के थ्रू, बट अगर हॉस्पिटल से छोटा है तो वो चल जाता है कि आपने जनरेटर लगा लिया, स्विचिंग फास्ट है तो वो जैसे ही लाइट जाएगी जनरेटर्स पे आ जाएंगे, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, बी इट वेंटिलेटर्स या सम डॉक्टर इज परफॉर्मिंग अ सर्जरी, तो उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट चली गई आधा घंटा तो सर्जरी कैसे होगी। बट जब बड़ा सेटअप होता है ऐसे लाइक पीजीआई या एम्स, तो उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती है डायरेक्ट फ्रॉम द डैम विदाउट एनी इंटरप्शन। एम्स की लाइट ऐसे नहीं बंद कर सकते कि बिना बताए एम्स की लाइट चली गई, बिकॉज एट अ टाइम देयर मे बी हंड्रेड्स ऑफ सर्जरीज बीइंग परफॉर्म्ड और इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है कि जनरेटर्स कैन नॉट प्रोवाइड दैट, तो उनको इसलिए डैम से अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती है। कभी साल में एक बार ही बंद भी करनी हो 4-5 घंटे के लिए रिपेयर के लिए, तो उनको पहले इन्फॉर्म किया जाता है। फिजिक्स में कहाँ चाहिए हो सकती है अनइंटरप्टेड सप्लाई? जैसे अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो पीजीआई के पास सप्लाई लाइन है अनइंटरप्टेड, डैम से सीधी लाइट आ रही है, एंड वही लाइट फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी आती है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में अनइंटरप्टेड सप्लाई क्यों चाहिए? सर कोई एक्सपेरिमेंट करना चल रहा हो सर, अगर दे हैव रेडियोएक्टिव सोर्सेज प्रेजेंट विद देम, वो रिसर्च में रेडियोएक्टिव सोर्सेज न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च होती है, तो दे हैव अ रेडियोएक्टिव सोर्सेज जो उन्होंने रखे हुए हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ट्रैप किया होता है रेडिएशंस को कि वो रेडिएशंस बाहर स्प्रेड ना करें, तो अगर लाइट चली जाएगी दोज रेडिएशन विल स्प्रेड इन द सराउंडिंग्स एंड इट कैन बी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। कि आपने सुने इंसिडेंट जब कोई न्यूक्लियर रिएक्टर से लीकेज हो जाती है तो समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ दैट लीकेज, और अगर नहीं भी मरेंगे तो दे कैन हैव परमानेंट सेल डैमेज, ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए उनको भी अनइंटरप्टेड सप्लाई मिली हुई है बिकॉज दे स्टोर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इन देम, बिकॉज रेडियोएक्टिव मटेरियल गवर्नमेंट अलॉट करती है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आता है, दे हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर, जब उसकी यूज खत्म हो जाता है दे हैव टू रिटर्न इट बैक टू द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं, या गवर्नमेंट कई बार उनको अलाउ करती है कि इसको खुद से डिस्पोज ऑफ करो, तो रेडियोएक्टिव मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं? Put them inside lead boxes. जमीन में बहुत गहरा खड्डा खोदते हैं और उसमें डंप कर देते हैं inside lead boxes. Because lead is which does not allow the radiations to come out easily. कि आप भी अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की लैब में काम करते हो तो आपको लेड सूट मिलते हैं, मतलब कपड़े ही लेड के होते हैं, शर्ट ट्राउजर्स लेड के, उसको लेड सूट बोलते हैं कि लेड सूट पहन के जाओ सो दैट रेडिएशन कैन नॉट रीच योर बॉडी, तो लेड बॉक्स में डाल के उसको डंप कर देते हैं। एंड आपने अगर थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ते हो तो लास्ट टू लास्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं कबाड़िया, दो जो डीलर थे कबाड़ खरीदने वाले वो मर गए बिकॉज उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, दे डंप्ड सम रेडियोएक्टिव मटेरियल इन 80s, मतलब 82-83 में कभी उन्होंने खड्डा खोदा, जमीन में रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिए, लेड बॉक्सेस डाल दिए, नई बिल्डिंग बननी थी, उन्होंने वो खड्डा खोदा, लेड बॉक्सेस निकाले, उनको पता नहीं था जिसने खड्डा खोदा, मतलब बिल्डर जो था उसने वो सामान बेच दिया, एंड जिसने खरीदा उसको भी नहीं पता था क्या है, उसने लेड को अलग बेच दिया, रेडियो एक्टिव मटीरियल अपनी लैब में रख लिया, एंड बोथ ऑफ देम डाइड बिकॉज ऑफ द रेडिएशन डैमेज। So, उसका इसलिए प्रोसीजर बनाया हुआ अब तो गवर्नमेंट ने कि वापस बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को रिटर्न करना पड़ता सब कुछ, सो दैट दे डिस्पोज ऑफ इन देयर ओन वे और सबकी नॉलेज में हो। सो यू कैन राइट नेक्स्ट, लिखो इसके आगे पहले पॉइंट लिख लो, दस व्हेन एवर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, दस व्हेन एवर इंटरनल रेजिस्टेंसेस वेरी लार्ज, whenever internal resistance is very large as compared to external resistance,
whenever internal resistance is very large as compared to external resistance, for maximum current to flow, cells must be connected in parallel. For maximum current to flow, cells must be connected in parallel. Next is mixed grouping. Mixed grouping. Sir, वो एक बार दोबारा बताना कि कैसे पता चलेगा कि सीरीज में कि पैरेलल. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऑर्डर का ही डिफरेंस होगा कि एक टेंस में एक थाउजेंड्स में, तो पैरेलल में इंटरनल ज़्यादा है तो पैरेलल में, एक्सटर्नल ज़्यादा है तो सीरीज में, सेम ऑर्डर मतलब एक टेन है एक फोर्टी है जैसे टेन ओम फोर्टी ओम, तो फिर मिक्सड ग्रुपिंग. सो नेक्स्ट इज मिक्सड ग्रुपिंग. मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब है कि कुछ सेल्स सीरीज में, जैसे ऐसे एन सेल सीरीज में और ऐसी कुछ रोज पैरेलल में, कि हर रो में एन सेल सीरीज में लगे हैं और ऐसी कुछ रोज हमने पैरेलल में लगा दी, एंड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. जैसे वन टू एम, एम रोज, एक रो में एन सेल्स, तो हमने इसमें करंट निकालनी है कितनी फ्लो करेगी. अगर मैं पहले बात करूं एक रो की रेजिस्टेंस कितनी है, NR. M पैरेलल में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR by M विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो टोटल रेजिस्टेंस NR by M प्लस कैपिटल R. Yes. एक रो की EMF Any. Total current is any upon NR by M plus M. So you can draw this diagram for likhte hain isko. Hello. डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं. सो यू कैन राइट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स few cells are connected in series to form a row and some such rows are in parallel. Next paragraph mein likho, as shown in the figure, n identical cells, each of EMF E, an internal resistance small r, each of EMF E and internal resistance small r are connected in series. To form a row, and m such rows are in parallel.
M such rows are in parallel. Total internal resistance is NR by M. ये क्लियर है सबको पॉइंट कि एक रो की NR है, M रोज पैरेलल में है तो NR by M. Current through circuit is I कितना होगा? N E by R plus N R by M. तो मैं I को ऐसे भी लिख सकता हूँ. M into N. अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट जल्दी बता सकते हैं, बाकी सबको भी आ जाएगा समझ. वैसे अगर मेरे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो m क्रॉस n किसके इक्वल होता है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. m क्रॉस 3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? 9. m 3m मतलब 3 क्रॉस 3 है तो 9. तो बेसिकली एक रो में 9 सेल, m रोज पैरेलल में, तो m into n टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए. टोटल नंबर ऑफ सेल्स mn, टोटल mn, दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ सेल्स. तो मैं mn को लिख रहा हूं कैपिटल n. दिस इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स. n यहां पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स है. यहां तक अब मैं आपसे पूछूं कि करंट जो है इसकी ये वैल्यू आ गई. करंट मैक्सिमम कब होगी? न्यूमरेटर चेंज हो सकता है? आपको कहा आपने 20 सेल लगाने हैं तो 20 तो फिक्स्ड है और जो सेल दिए हैं वो भी फिक्स्ड है. हमें बताना है हम कितने सेल सीरीज में लगाएं, कितने पैरेलल में लगाएं ताकि करंट मैक्सिमम हो. मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स दे दिए कि आपके पास मान लो 50 सेल हैं, एक ईएम है, 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दी सेम ऑर्डर की. फिर मैं आपसे पूछूं कितने सेल सीरीज में लगाएं सो दैट करंट मैक्सिमम हो. अब लॉजिकली अगर देखो न्यूमरेटर तो फिक्स्ड है, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगी. यस, वी कैन से ठीक है स्टेप. इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? डिफरेंशिएशन जीरो. M और N दोनों वेरिएबल हैं. M को कैपिटल N माइनस N लिख और फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू N. मैं आपको एक आसान तरीका भी बता देता हूँ, बिना डिफरेंशिएशन किए भी आ जाएगा. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ इसे ऐसे? यस सर। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? ये तो जीरो हो नहीं सकता। अगर ये जीरो हो गया मतलब आर किसके इक्वल? एन आर बाय एम के। अगर ये वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, कैपिटल आर की वैल्यू एन आर बाय एम, तो आई मैक्स कितना होगा? आर की जगह भी एन आर बाय एम पुट कर दिया, दिस कम्स आउट टू बी, अगर आप देखो तो कंडीशन क्या बनी, एन आर बाय एम क्या था? एक रो की रेजिस्टेंस कितनी थी? एन आर। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी थी? एन आर बाय एम। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तो मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। मिक्स्ड ग्रुपिंग में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो तो मैक्सिमम करंट फ्लो करती है और उसकी वैल्यू है एम ई बाई टू आर। मतलब ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि एक रो में कितने सेल लगाए थे, इसे पैरेलल पे डिपेंड कर रही कितनी दोस पैरेलल में लगाई थी। बट कंडीशन ये है कि आर शुड बी इक्वल्स टू, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, दिस विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, काफी सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये। आर इज इक्वल्स टू एन आर बाय एम, तो इसको इसलिए अच्छे से याद रखना न्यूमेरिकल्स करने के लिए स्पेशली, ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है और एक मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला याद रखना। अलग से लिख देता हूँ मैं, आई मैक्स इज इक्वल्स टू एम ई बाय टू आर। समझ में आया सारा कैसे किया? इसके नीचे फिर एक पॉइंट लिखो, दस वेन एवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, are of the same order, for maximum current to flow cells must be, par repeat kar do apne internal cells must be, whenever internal and external रेजोनेट करिए वो इस इंटरनल एंड एक्सटर्नल। माइक बंद करो अपना, किसका माइक ऑन है? व्हेनेवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर फॉर मैक्सिमम करंट टू फ्लो cells must be connected in mixed grouping
So you can write a numerical. इसी पे मिक्स्ड ग्रुपिंग पे बेस्ड 20 सेल्स ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम in EMF 1.5 volt are used to send current through. Sir, my internal resistance ki value repeat kar do. 0.5 ohm and EMF 1.5 volt are used to send current through external resistance of 2.5 ohm used to send current through external resistance of 2.5 ohm how would you arrange them to get maximum current how would you arrange them to get maximum current तो सेम ऑर्डर है या डिफरेंट इंटरनल 0.5 एक्सटर्नल 2.5 सेम ऑर्डर है ऐसा नहीं है कि एक के कंपैरिजन में दूसरी नेग्लिजिबल है तो बताओ कितने सेल्स एक रो में और कितनी रोज पैरेलल में पहले ऊपर कंसेप्ट लिख लो एज ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ऑर्डर As internal and external resistance are of the same order. Therefore, for maximum current to flow, mixed grouping of cells is done. For maximum current to flow, mixed grouping of cells is done. टोटल सेल 20 है ईएमएफ दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है मैक्सिमम करंट निकाल भी देना कितनी होगी सर 10 सेल्स सीरीज में और दो रोज बनानी चाहिए हां 10 सेल सीरीज में 10 सेल सीरीज में और दो रोज बनानी चाहिए ठीक ठीक आई कैन से दैट Maximum current. The maximum current VI. Yes. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. Total number of cells upon N. मैक्सिमम करंट निकालनी है तो आई मैक्स इज देखो क्लियर है सबको ये कैसे किया सर मैंने एम की वैल्यू डाल दी कैपिटल एन बाय एन बिकॉज हमारे पास ये रिलेशन था टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज एम इनटू एन
तो दो वेरिएबल्स थे एन और एम, उनमें से एक रह जाएगा फिर अगर आप कैपिटल एन के टर्म्स में लिख दोगे तो. नेक्स्ट टू राइट सर, अगर 20 और 25 सेल्स होते तो कैसे डिवाइड करते? अगर 20 की जगह 25 सेल्स होते तो कैसे डिवाइड करते? उसको आप 25 बाय एन लिख देते, बस आपका हमेशा ना ऐसे वैल्यूज दी होंगी कि एन स्क्वायर की वैल्यू जो है, मतलब एन जो है वो इंटीजर आएगा, ऐसे फ्रैक्शंस में कभी नहीं आएगा वैल्यूज दी होंगी. जो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई तो 10 आ गया, तो आपके पास ऐसे नहीं होगा कि एन स्क्वायर की वैल्यू 60 आ गई, बिकॉज ऐसे फ्रैक्शंस में थोड़ी हो सकते हैं सेल्स. तो हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन ही देंगे कि आपका वैल्यू एन और एम जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी. हमने वैल्यूज पुट की तो हमारी एन की वैल्यू 10 आ गई. एन की वैल्यू 10 आने का मतलब है कि एक ब्रांच में 10 सेल लगे हैं, टोटल 20 सेल हैं, तो कितनी ब्रांचेस बनेंगी? दो ही बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ सेल्स गिवन है ना 20 है. तो हमने एन जो निकाला वो एक ब्रांच में निकाल लिए कितने सेल लगे हैं. तो फॉर्मूले से निकला ना कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर बाय एम से. नेक्स्ट find the minimum number of cells required. Find the minimum number of cells required to produce an electric current of 1.5 ampere produce an electric current of 1.5 ampere through a resistance of 30 ohm given that EMF and internal resistance of each cell is 1.5 volt and 1 ohm respectively. हमें बताना है टोटल कितने सेल चाहिए मिनिमम. हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया 30 ओम, ईएमएफ 1.5, इंटरनल 1 ओम, करंट भी दिया 1.5, तो हमने बताना है सेल्स कितने चाहिए. नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड. पहले आप आई मैक्स के फॉर्मूला से एम निकाल लो, बिकॉज़ आई मैक्स इज एम ई बाय 2 आर, तो यहाँ से एम आ जाएगा, फिर आर इज इक्वल टू एन आर बाय एम से एन निकाल लो. IMAX, पहले IMAX का फॉर्मूला लगाओ.
हमें जो डेटा गिवन है हमें मैक्सिमम करंट चाहिए 1.5 एम्पीयर ये डेटा गिवन है n की वैल्यू आ गई 60 टोटल नंबर ऑफ सेल इज m into n so 120 cells are required So, ये comparable values हैं 130. हाँ मतलब order जब दिया होगा ना जैसे मैंने आपको जो पहले question लिखाया था उसमें दिया था 0.5 और 2.5 उसमें इनफैक्ट तीन पार्ट से दो मैंने लिखाए नहीं थे उन्होंने कहा था जो external resistance है उसकी तीन values हैं अगर external resistance 500 है और internal 0.5 है तो मतलब कितने times ज्यादा हो गई 1000 times तो फिर आप ले सकते हो एक्सटर्नल इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इंटरनल दूसरी बात उन्होंने दिया था कि इंटरनल 0.5 है एक्सटर्नल 0.005 है तो इसमें तो हम ऑर्डर को सेम ले सकते हैं 1 और 30 होगी 30 times ज्यादा है अगर मान लो 10 सेल सीरीज में लगा दिए तो फिर तो वो कंपेरेबल ऑर्डर आ जाएगा ना तो आपने ऑर्डर का काफी डिफरेंस देखना है कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम बड़ी या थाउजेंड्स ऑफ टाइम छोटी हैं एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ टाइम बड़ी तो 1 और 30 को आप सेम ऑर्डर ले सकते हो अब इसके एचसी के क्वेश्चन भी थोड़े से देने हैं मेरे को जो आप कर सकते हो अब एचसी के पहले कुछ दिए थे क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के नमस्ते एचसी के यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 1, 2, 13 First 13 question. Okay. इनमें से एक हमने किया हुआ है वो जो हमने tapered cone का निकाला था पाई एल रो एल अपॉन पाई ए बी वो 10th question है वो किया हुआ है तो First 13 question करके देखना 14 नहीं होगा बिकॉज उसका भी फॉर्मूला नहीं किया हमने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर आगे कुछ और हो जाएंगे बट एक दिन के लिए इतने ही रखो First 13 Because ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें एच सी में जो हमने करने हैं दैट इज अप टू क्वेश्चन नंबर 56 और अभी ये चैप्टर चलेगा अराउंड 6-8 दिन और तो दोस्त के अगर 10 भी करेंगे तो इजीली खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट 13 करके देखना फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे